अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। तो बेटा, जैसे आपको भी पता है कि आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आज जो वीडियो बना रही हूँ वो है जी आपका सेफ ब्राउज़र, हम उसे कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे उसमें लॉगिन करेंगे। तो बेटा जी, ये है इसका तरीकाकार। आपने ये चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले तो आप लोगों के पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, ठीक है? अगर लैपटॉप है तो उसमें आपको पता है कि कैमरा वगैरह जो है वो अरेंज होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो मैंने ये मेंशन भी कर दिया हुआ है नोट के अंदर, तो आप कैमरा अटैच करेंगे, अपने फ्रंट सामने रखेंगे, ठीक है जी? ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि हमने कैसे करना है, क्या करना है, पेपर कैसे देना है। और ये याद रखिएगा, विंडो 10 या विंडो 8 करें बेहतर है। मतलब विंडो 10 ही कर लें, अगर करनी है तो फिर विंडो 10 कर लें, सीडी बाई कर लें, नहीं तो सेटअप है उसको टाइम लगेगा नेट से डाउनलोड होने में, तो आप सीडी लें, आप रेक्सिटी से जाके करवा लें, या जैसे भी विंडो करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर उसके ऊपर बिकॉज़ आपका सेफ ब्राउज़र करेक्टली काम करता है, अगर विंडोज 7 भी है तो ये चीज़ याद रखें, उसके अंदर ना एक फ़ाइल मिसिंग होती है, डॉट नेट फ्रेमवर्क होता है वो फाइल होती है, तो वो जो वो एरर जिस टाइप का होगा वो फाइल, मतलब उसको नोट आउट करें और उसको आप जो है वो मोज़िला के ऊपर या फिर अपने गूगल के ऊपर सर्च करें, तो वो आपकी फ़ाइल आ जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लें आपने सिस्टम के अंदर, तो देन आपकी विंडोज 7 के अंदर भी प्रॉपर काम करेगा। तो अब मैं आपको ये मेथड बताने लगी हूँ कि कैसे हम जो है वो सेफ ब्राउज़र इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ये आप लोगों की जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर किए हुए हैं लिंक्स मैंने। पहले तो हम जो है वो सेफ ब्राउज़र जो है आपकी या वो लिंक के ऊपर क्लिक कर लें, या फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट GCUF की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से इंस्टॉल कर लें। देन वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो भी चीज़ें हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो ये वो लिंक है, इससे भी डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं अपने सेफ ब्राउज़र को। तो वन बाय वन मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। तो आप जो भी आपकी आपका क्लास ग्रुप है, मैंने बता दिया कि ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों को ये लिंक शेयर कर दिया है, तो हम डाउनलोड करेंगे देन इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। फिर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो वो डेस्कटॉप के ऊपर हमें भी पता है कि आइकन शो हो जाता है, तो उसके बाद हमें 3 चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। जब आपका सेफ ब्राउज़र ओपन हो जाएगा आपके सामने, तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, CNIC है, और आपका जो पासवर्ड आपको हमने प्रोवाइड किया है, इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है, वो आप लगाएंगे, और ये कैपिटल लेटर में ही है, ठीक है? बी केयरफुली, आपने अपने पासवर्ड जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना। ओके जी, हम अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सो मैं यही वाला लिंक जो है कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ से अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी प्रेस किया तो यहाँ पे पेस्ट कर लिया इसको, मैं एंटर किया, तो ये देखिए जी आपकी ये फाइल जो है वो डाउनलोड होने के लिए वो कह रही है कि आप इसको ओके करें। ये आपका जो है ब्राउजर ओपन, ब्राउजर जो है वो इंस्टॉल हो गया, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रही हूँ। ये यू टोरेंट होता है अपने सिस्टम के अंदर, यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, वो जो लिंक है मे बी उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे अपनी सर्च कर लेते हैं सेफ ब्राउज़र।
जी, ये सेफ ब्राउज़र का ऑप्शन है टॉप के ऊपर, लेटेस्ट जो रिलीज़ किया है वो उसको देख लेते हैं। ऐसे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। अब ये डाउनलोड होगा, ये सेव फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब ये सेव फाइल के ऊपर क्लिक किया हमने, देन ये डाउनलोड होगी। ओके स्टूडेंट, ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। ये मेरी फाइल है जो डाउनलोड हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे आप जब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये वाला जो आइकन है, हमने जो फाइल डाउनलोड की है, तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आई एग्री द लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। नाउ द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्टॉलिंग इज स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हमारा सेफ ब्राउज़र इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ वो मुझे कह रहा है कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, तो हमें यहाँ पे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। सो बेटा, मैं ये मतलब आपकी ये जो वीडियो है ये मैं सेंड कर रही हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो देन जो आफ्टर रीस्टार्टिंग पीसी मैं इसको यूज़ करूँगी, तो वो दूसरी वीडियो होगी इसके ऊपर। तो यहाँ तक ये प्रोसीजर था कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे सेफ ब्राउज़र को और कैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे।